जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्य वाल्य और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सन डिस्क का गो ड्राइव का। और ये ड्राइव जो है ये 128 GB है। इसकी Mbps जो है वो 400 Mbps की स्पीड देता है। ये SSD है, मैंने इसलिए फ़ोटोग्राफी में मैं करता हूँ तो उसके साथ में मुझे कई बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ डेटा जो है वो हटाना पड़ता है मेमोरी कार्ड से ताकि मेमोरी कार्ड फुल ना हो जाए। तो उसके लिए मैंने इसको मंगाया है ताकि मुझे थोड़ा इजी रहे, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर सकूं और तुरंत ट्रांसफ़र करके मैं उसको मेमोरी कार्ड को फिर से यूज़ में ले सकूं। तो उसके लिए मैंने ये संडेस का एक पेन ड्राइव मंगाया है। तो इसको रियल टेस्ट करते हैं कि इसमें कॉपी जो है वो कितनी देर में होती है, क्या स्पीड आती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सनडिस्क का एक बैज मिल जाता है, अल्ट्रा ड्राइव गो है ये। और ये मैंने ब्लैक कलर में इसलिए मंगाई है क्योंकि मैंने जब इसका सिल्वर कलर का जो रिव्यू देखा वो कोई ख़ास नहीं था, तो इसके लिए मैंने इसको मंगाया है क्योंकि उसमें हीटिंग का मैंने सुनने में आया था, हीटिंग का बहुत ज़्यादा इशू था, तो इसलिए ये मैंने ब्लैक कलर का मंगाया है क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ से इसको अनबॉक्सिंग करना है और इसमें ये पेन ड्राइव मिल जाती है छोटी सी, और इसको भी कट कर लेते हैं। बहुत ही इजी अनबॉक्सिंग हो गई इसकी, बहुत ही छोटा सा ये हमें पेन ड्राइव मिल जाता है। साथ में इसके कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक लकी ड्रॉ है जो देखते हैं, 7 तारीख को मैंने इसमें अप्लाई कर दिया, 7 तारीख को पता चलेगा कि क्या निकलने वाला है। बाकी इसकी इसमें जो स्पीड दिखाई है 400 Mbps है, बाकी हम रियल टेस्ट करेंगे कि क्या रहता है। 128 GB SSD है। इसमें पेन ड्राइव लगा दिया है, इसमें सन डिस्क का सॉफ्टवेयर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं लेकिन उसका हमें कोई खास यूज है नहीं, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पेन ड्राइव आ गई हमारी, 114 GB लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले तो हम फॉर्मेट कर लेते हैं क्योंकि कोई भी पेन ड्राइव लगाने से पहले उसको फॉर्मेट करना थोड़ा मुझे ज़रूरी लगता है। तो बाकी ये मैंने फॉर्मेट कर लिए और यहाँ से एक मूवी कॉपी करके देखते हैं सबसे पहले कि कितनी देर में मूवी कॉपी जो है हो जाती है। ये यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। हम यहाँ से लैपटॉप से जो है पेन ड्राइव में कॉपी करते हैं, देखते हैं उसमें पेन ड्राइव में कितना समय लगेगा। यहाँ एफ ड्राइव में हम लोग गए, यहाँ पे हम कॉपी करते हैं। ये 31 MB/s के समथिंग स्पीड आ रहा है, 31 MB/s के समथिंग स्पीड आ रहा है, तो ठीक स्पीड है, हालांकि और भी अच्छा होना चाहिए था। तो ये लगभग मुझे लगता है 10 सेकंड तो लगा ही रहा है। तो बाकी इससे कॉपी करने के बाद में अब हमने मोबाइल में ट्रांसफ़र करते हैं, देखते हैं उसमें कितना समय लगेगा। जो मैंने मूवी कॉपी की है उसमें से लैपटॉप में वो मैं टैब में कॉपी करके देखता हूँ कितना समय इसमें लग जाएगा। यहाँ OTG आ गया है और यहाँ पर ये मैंने कॉपी कर लिया मूवी, ये मूव का ऑप्शन आ गया और ये मैं अपने टैब में कॉपी करता हूँ। अच्छी स्पीड है, फिर भी मुझे लगता है कि और बेटर होनी चाहिए थी, बहुत अच्छी स्पीड नहीं है। और मैंने जब लैपटॉप से निकाली तो हल्की सी हीटिंग का भी मुझे इशू लगा क्योंकि एक मूवी करने में हल्की सी हीट होने लग गई थी ये पेन ड्राइव। मुझे लगा कि मतलब मेटल वाली ही पेन ड्राइव हीट करती है और कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक वाली भी हल्की हल्की हीट करने लग गई है। मुझे लगता है कि काफ़ी समय लग रहा है, इतना समय नहीं लगना चाहिए, हालांकि ये इसमें कॉपी हो गया है। अब एक बार ये देखते हैं कि इसमें से पेन ड्राइव में से जो कॉपी हुआ है, हालांकि मैंने लैपटॉप से ही कॉपी किया है, वो देखते हैं फिर से दोबारा लैपटॉप में कॉपी करने में कितना समय लगेगा। तो एक बार पेन ड्राइव से जो है हम
लैपटॉप में कॉपी करके देखते हैं कि उसमें कितना समय लग जाएगा। तो हम ई ड्राइव में जाते हैं, यहाँ पे ऊपर ही में पेस्ट एक बार करके देखता हूँ। बहुत ही इजीली इसमें जो है वो ट्रांसफ़र हो गई, ज़्यादा समय नहीं लगा, विद इन सेकेंड मुझे लगता है हो गया। लेकिन इससे कंप्यूटर से जो है हम पेन ड्राइव में कॉपी कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, जितना कि नहीं लगना चाहिए। 671 MB का फाइल में लगभग 10 सेकेंड लगता है। और एक बार देख लेते हैं, हीटिंग का कोई इशू तो नहीं है। एक बार इसको एग्ज़िट कर लेते हैं यहाँ से। तो जिस तरह मैंने अभी इसको यूज़ किया, तो मुझे लगता है कि इससे लैपटॉप से अगर इसमें हम डाटा कॉपी करते हैं तो इसकी स्पीड कहीं ना कहीं हल्की सी स्लो लगी मुझे। और बाकी इससे अगर हम लैपटॉप में कॉपी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट, विद इन सेकेंड यूँ हो जाती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हल्की सी, हल्का सा ये इसमें हीटिंग का थोड़ा सा मुझे इशू लगा, हल्की सी हीट कर रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।